Now I show you demo on STAAD.Pro software. STAAD.Pro software basically civil engineering field का software है. इस software की help से हम लोग research, analysis and design कर सकते हैं structure का. इस software की help से bending moment, shear force, support reaction, deflection और reinforcement calculation कर सकते हैं. ये software Bentley Systems company का है, जो कि USA based company है. इस software की help से हम लोग building design कर सकते हैं with dead load, live load, wind load, earthquake analysis, complete building design कर सकते हैं. building design के अलावा इस software से हम steel design भी कर सकते हैं, चाहे वो truss हो, transmission tower हो या किसी भी तरह का steel structure हो, हम इससे design कर सकते हैं. steel design के अलावा इस software से water tank design, staircase design, slab design, foundation design, foundation में isolated footing, combined footing, mat foundation, pile cap design, bridge design, shear wall design और RC design कर सकते हैं. ये पूरा syllabus मैंने बताया आपको जो इस software से हम कर सकते हैं. ये अभी आपके सामने एक G+4 structure है जो बना के रखा हुआ था मैंने. इसको solve करेंगे. After the solution, पहले मैं आपको एक रिजल्ट दिखाऊंगा. किसी भी बीम पे आप डबल क्लिक करिए, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, शियर फोर्स डायग्राम और डिफ्लेक्शन, सारे डायग्राम बन के आएंगे और हर एक डिस्टेंस पे क्या क्या वैल्यूज हैं वो सॉफ्टवेयर आपको बताएगा. कंक्रीट डिजाइन भी आपको दिखाएगा. क्रॉस सेक्शनल व्यूज आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, कितने स्टील बार टॉप पे यूज हो रही है, कितनी बॉटम पे यूज हो रही है. ये ड्रॉइंग बनाकर आपको दिखाता है. आप इसका प्रिंट भी ले सकते हैं या ऑटो कैड ड्राइंग भी ये सॉफ्टवेयर जनरेट करता है. इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम कंप्लीट डिटेल देख सकते हैं, नोड वाइज, बीम वाइज. यहाँ पूरी समरी है जिससे हम देख सकते हैं कि हर एक नोड पर कितना डिफ्लेक्शन आया है और किस बीम पर सबसे ज़्यादा बेंडिंग मोमेंट है और किस बीम पर सबसे कम बेंडिंग मोमेंट है, वो सब हम देख सकते हैं. स्ट्रेसेस भी देख सकते हैं. ये सारे रिजल्ट हम लोग ईजिली देख सकते हैं बाई गिविंग सम वैल्यूज. सो इसके अलावा रिइंफोर्समेंट भी देख सकते हैं. मैं आपको रिइंफोर्समेंट दिखाता हूं. हर एक बीम का रिजल्ट आपको यहां पर दिखाई देगा. किसी भी बीम का रिजल्ट आप देख सकते हैं, बीम नंबर, ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ग्रेड ऑफ स्टील, कवर, टॉप रिइंफोर्समेंट, बॉटम रिइंफोर्समेंट, कितना स्टील बार टॉप पे चाहिए, कितना बॉटम पे चाहिए, डाया ऑफ द स्टील बार, नंबर ऑफ द स्टील बार और सीयर इन्फोर्समेंट, स्ट्रेप्स की कैलकुलेशन भी यहाँ पे मिलेगी. जितने भी बीम और कॉलम हैं इस बिल्डिंग में वो सब का डिटेल आपको यहाँ पे मिलेगा. लास्ट में एस्टिमेशन भी मिलेगा आपको, टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, टोटल स्टील का वेट, ये आपको सॉफ्टवेयर बता देगा. इसको कैसे करेंगे मैं वो आपको दिखाने जा रहा हूँ. सबसे पहले एक न्यू फाइल स्टार्ट करेंगे. ईजिली इस सॉफ्टवेयर पर बिल्डिंग क्रिएट कर सकते हैं या कोई भी मॉडल क्रिएट कर सकते हैं. इतने सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, ये सब आपको बताया जाएगा. कोई भी वैल्यूज यहाँ पर लेंथ, विथ, हाइट, जैसा भी स्ट्रक्चर है उसका लेंथ, हाइट, विथ और डिविजन्स प्रोवाइड करेंगे, बिल्डिंग बन के तैयार हो जाएगी. ईजिली उसको इम्पोर्ट कर सकते हैं, बिल्डिंग बन के आ गई. आप ऑटो कैड से भी ट्रांसफर कर सकते हैं स्ट्रक्चर. प्रॉपर्टी डिफाइन कर सकते हैं, कोई भी क्रॉस सेक्शन. शेप यहाँ पर पहले से ही अवेलेबल है, केवल आपको साइज देना है. यहां पर मैं दो तरीके के साइज दे रहा हूं, 1.3 मीटर का और 1.23 मीटर का, जो कि एक कॉलम का क्रॉस सेक्शन है और एक बीम का क्रॉस सेक्शन है. आपको इसको असाइन कराना है. इजीली आप असाइन कर सकते हैं, कॉलम का क्रॉस सेक्शन कॉलम पे और बीम का क्रॉस सेक्शन बीम पे. आप 3D में देख सकते हैं, स्ट्रक्चर 3D में बन के तैयार हो गया है. शेप अवेलेबल था, साइज हमने दिया, शेप, साइज और मटेरियल ये सब अप्लाई हो चुके हैं. अगला स्टेप है सपोर्ट. सपोर्ट फिक्स सपोर्ट, पिन सपोर्ट, रोलर सपोर्ट, सिंपली सपोर्ट, कोई भी सपोर्ट हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं और इजीली असाइन कर सकते हैं. यहाँ बॉटम पर हमने सपोर्ट असाइन कर दिया. उसके बाद लोड असाइन करना है. अगर आपको अर्थक्वेक एनालिसिस करनी है तो यहाँ पर कोड बुक पहले से ही फीड. गो टू द डेफिनेशन, हेयर
वेकल डिफिनीशन, विंड डिफिनीशन, सिस्मिक डिफिनीशन, इस तरह से बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। सिस्मिक डिफिनीशन से आप अर्थक्वेक एनालिसिस कर सकते हैं, अर्थक्वेक लोडिंग इस बिल्डिंग स्ट्रक्चर पे अप्लाई कर सकते हैं। सिस्मिक डिफिनीशन में गए, यहाँ पर आप किसी भी कंट्री के लिए कोड चूज कर सकते हैं, IS 189/2002 फॉर इंडियन डिजाइन, इंडियन कॉन्क्रीट डिज़ाइन कोड जनरेट करेंगे। इंडिया के जितने भी मेजर सिटीज़ हैं यहाँ पर अवेलेबल हैं। इसके लिए आपको कोड बुक पलटने की जरूरत नहीं है। कोड्स में जोनल फैक्टर, रिस्पांस रिडक्शन फैक्टर, इंपॉर्टेंस फैक्टर, ये सब कुछ यहीं पर आपको मिल जाएगा। केवल आप अपनी सिटी चूज़ करिए, सिटी के अकॉर्डिंगली जोनल फैक्टर आ जाएगा, किस तरह की सॉइल है, कितने समय के लिए अर्थक्वेक आया, ये सारे पैरामीटर दे देंगे तो अर्थक्वेक लोड इस बिल्डिंग पर अप्लाई हो जाएगा। इजिली आप अर्थक्वेक लोड अप्लाई कर सकते हैं और बिल्डिंग को अर्थक्वेक रेजिस्टिंग फ्रेम डिज़ाइन कर सकते हैं। अभी मैं इस बिल्डिंग पर डेड लोड लगाने जा रहा हूँ और लाइव लोड लगाने जा रहा हूँ। डेड लोड का मतलब है जो बिल्डिंग पर परमानेंट थ्रू आउट द लाइफ लगे हैं, जैसे कि सेल्फ वेट, वॉल का लोड और स्लैब का लोड। 100 mm की स्लैब है, अकॉर्डिंगली ये लोड कैलकुलेट किया गया है। हाइट प्रोवाइड करेंगे स्ट्रक्चर की, तो स्लैब वर्चुअली अप्लाई हो चुका है स्ट्रक्चर पे, इजीली अप्लाई हो जाएगा। आपको सिर्फ लोड की वैल्यू देनी है और बताना है कि वो लोड कहाँ लग रहा है। जैसे कि ये वॉल लोड, जहाँ जहाँ पर वॉल लगेंगी मैं उसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। इजीली आप अप्लाई कर सकते हैं, लोड भी लग गया, डेड लोड लग चुका है। अब आपको लाइव लोड अप्लाई करना है। लाइव लोड कहाँ लगेगा? स्लैब पर लगेगा। लाइव लोड की वैल्यू ले ली, बिल्डिंग की हाइट आपको बतानी पड़ेगी, गिव द बिल्डिंग हाइट, लाइव लोड। इस तरह से इजीली आप डेड लोड और लाइव लोड या किसी भी तरीके का लोड अप्लाई कर सकते हैं। अगर विंड लोड है तो विंड की डिफिनीशन देके विंड लोड भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी लोड अप्लाई कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। मैंने अभी इतने लोड अप्लाई किए हैं, इसके बाद एनालिसिस, केवल इतने ही इनपुट देने हैं। अब आपको इनके थ्रू बहुत सारे आउटपुट मिल जाएंगे। मैं सॉल्व कर रहा हूँ, सॉफ्टवेयर कुछ देर तक इसको सॉल्व करेगा। आफ्टर द सोल्यूशन वी गेट द डिफरेंट टाइप ऑफ द रिजल्ट। अब किसी भी बीम या कॉलम पे आप डबल क्लिक करिए, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, शियर फोर्स डायग्राम, डिफ्लेक्शन, इतना आपको हर बीम और कॉलम के लिए मिल गया। तो केवल बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स डायग्राम नहीं, आप पोस्ट पेड में जाइए, डिफाइन कमांड्स में जाइए, इतने सारे रिजल्ट और हैं। सपोर्ट रिएक्शन, मेंबर फोर्स, बकलिंग शेप, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जो कुछ भी हम पढ़ते हैं वो सब ये सॉफ्टवेयर सॉल्व कर देगा। हमें मैनुअली कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, ईजिली ये सॉफ्टवेयर सॉल्व कर देगा। सिर्फ इतने ही इनपुट से इतने सारे रिजल्ट निकालती है। ये अभी तक सिर्फ एनालिसिस का पोर्शन था। एनालिसिस को और इलाबोरेट करके देखना चाहते हैं तो नोडल वाइज आप डिटेल देख सकते हैं। एक एक नोड का रिजल्ट, डिफ्लेक्शन कितना है हर नोड में वो आपको दिखाएगा। समरी देख सकते हैं, मैक्सिमम एक्स डायरेक्शन में, मैक्सिमम जेड डायरेक्शन में, कौन सा नोड कितना डिस्प्लेस्ड हुआ है, रिएक्शन क्या है, बीम फोर्सेस क्या डेवलप हुई हैं, सबसे ज़्यादा बेंडिंग मोमेंट कहाँ पर है, मैक्सिमम एम जेड मतलब सबसे ज़्यादा बेंडिंग मोमेंट कहाँ पर है, वो ये सॉफ्टवेयर हाईलाइट करके भी दिखा रहा है, वैल्यू भी दिखा रहा है, उसका नंबर भी दिखा रहा है। स्ट्रेस कितना जनरेट हुआ वो ये सॉफ्टवेयर दिखा रहा है। क्रॉस सेक्शनल वाइज क्या वेरिएशन है वो सॉफ्टवेयर आपको बता रहा है। ग्राफ भी सॉफ्टवेयर जनरेट कर रहा है, रिपोर्ट भी सॉफ्टवेयर जनरेट करेगा। आप आउटपुट में जाएंगे, इतने सारे आउटपुट हैं, अगर आप सबको ट्रांसफर कर देंगे तो ये 900 पेज की फाइल है। इतना आप प्रिंट ले सकते हैं, कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं अपनी रिपोर्ट को। रिपोर्ट बनाने के लिए आपको कुछ टाइप नहीं करना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर खुद आपको रिपोर्ट बना के देगा। बस केवल आपको चूज़ करना है कि रिपोर्ट में आपको क्या क्या रिजल्ट चाहिए। इजीली रिपोर्ट आप इस सॉफ्टवेयर के थ्रू बना सकते हैं। यह सिर्फ एनालिसिस का पोर्शन था। अब डिज़ाइन पर चलते हैं। डिज़ाइन कॉन्क्रीट डिज़ाइन करना है, स्टील डिज़ाइन करना है तो स्टील पर जाएंगे। कॉन्क्रीट में गए, किसी भी कंट्री के लिए हम डिज़ाइन कर सकते हैं। फॉर इंडिया IS 456 हमने लिया। डिफाइन पैरामीटर, ग्रेड ऑफ कंक्रीट FC, अगर ग्रेड ऑफ कंक्रीट M20 से आप डिजाइन करना चाह रहे हैं, M25 से डिजाइन करना चाह रहे हैं, वो ग्रेड यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। ग्रेड ऑफ स्टील FY मेन का मतलब है ग्रेड ऑफ स्टील, ग्रेड ऑफ स्टील 415 FE 415 से कर रहे हैं या FE 500 से कर रहे हैं वो यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। अगर आप सॉफ्टवेयर को नहीं देते हैं पैरामीटर तो सॉफ्टवेयर बाई डिफॉल्ट M30 पर डिजाइन करता है। तो मैं डिफॉल्ट ले रहा हूँ, क्या डिजाइन करना है, बीम डिजाइन करना है, कॉलम डिजाइन करना है, और लास्ट ये दो कमांड हमने दिए। लास्ट कमांड है टेक ऑफ। टेक ऑफ कमांड से सॉफ्टवेयर एस्टिमेट निकालता है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। अब ये कमांड, बीम का कमांड बीम पे असाइन करना है। इजीली आप सेलेक्ट कर सकते हैं बीम, असाइन कर सकते हैं। कॉलम का कमांड कॉलम पे असाइन करना है और रन कर देना है। आफ्टर द रन, आफ्टर द एनालिसिस वी गेट द रेनफोर्समेंट कैलकुलेशन ऑल्सो। एनालिसिस हो चुकी है, अब डिजाइन भी हमें देखना है, तो हम रिजल्ट्स में जाएंगे
और सी, जो मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था आपको, बीम नंबर, ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ग्रेड ऑफ स्टील, कवर और टॉप रिइंफोर्समेंट कितना यूज़ कर रहा है, एरिया ऑफ स्टील बता रहा है, बॉटम कितना एरिया ऑफ स्टील यूज़ कर रहा है, टॉप रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करने के लिए कितनी स्टील बार और कितने डाया की यूज़ होगी, बॉटम पे कितनी डाया की कितनी स्टील बार यूज़ होंगी ये बता रहा है, स्टिरअप्स की स्पेसिंग बता रहा है। जितने भी बीम या कॉलम हैं इस रिपोर्ट में आप देखेंगे, हर एक बीम और कॉलम का रिजल्ट आपको दिखाई देगा, लास्ट में टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट और स्टील का वेट आपको मिल जाएगा, जिससे आप एस्टीमेट भी देख सकते हैं। अगर आप स्ट्रेस की कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं, स्ट्रेस देखना चाहते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा प्रिंसिपल स्ट्रेस, वॉन मायसिस स्ट्रेस, सीयर स्ट्रेस, सिंपल स्ट्रेस, मैक्सिमम एब्सोल्यूट स्ट्रेस, वो सारे स्ट्रेस के फार्मूलेज में फीड हैं, ये इजीली निकाल सकता है सारे स्ट्रेस। मैं आपको दिखाता हूँ एक एग्जांपल स्लैब बना के, अभी देखिएगा मैं एक स्लैब बनाने जा रहा हूँ, केवल टॉप फ्लोर पे एक स्लैब। अभी तक जो मैंने लोड अप्लाई किया था स्लैब का वर्चुअल लोड था, एक्चुअल में स्लैब नहीं बनाई थी। आपको मैं 3D में दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पर सबसे ऊपर वाली स्लैब पे, सबसे ऊपर मैंने एक स्लैब बना दिया है। अब स्लैब है तो इसमें कुछ थिकनेस होगी, थिकनेस प्रोवाइड कर देंगे, अब केवल थिकनेस प्रोवाइड करने के बाद लोड तो सेल्फ वेट लगा ही था। मैं इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ केवल आपको रिजल्ट दिखाने के लिए। आफ्टर द एनालिसिस स्ट्रेस किस तरह से दिखाई देगा मैं वो दिखाना चाह रहा हूँ आपको। राइट क्लिक करेंगे, स्ट्रक्चर डायग्राम में जाएंगे, यहाँ पर तमाम स्ट्रेस के ऑप्शन है, सीयर स्ट्रेस, प्रिंसिपल स्ट्रेस, वॉन मायसिस स्ट्रेस, कोई भी स्ट्रेस आप देख सकते हैं, मैक्सिमम एब्सोल्यूट स्ट्रेस, ये आपको स्ट्रेस दिखाई दे रहा है। जहाँ पर रेड पोर्शन है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस है, वहाँ पर वीक होगा वो, सबसे ज़्यादा स्ट्रेस कहाँ पर है, सबसे कम स्ट्रेस कहाँ पर है वो ये सॉफ्टवेयर बताएगा, कलर वाइज दिखाएगा। तो आप पूरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकते हैं, कोई कॉम्प्लिकेटेड शेप है कि कोई नए तरीके का शेप है कि वाटर टैंक है, जो भी है स्ट्रक्चर उसमें वो कहाँ से वीक होगा, कहाँ पर सबसे ज़्यादा स्ट्रेस होगा, सॉफ्टवेयर आपको बताएगा। तो हम पूरा अरेंडी कर सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर हमारा कहाँ से कमज़ोर हो सकता है और इसके लिए कितना रिइंफोर्समेंट चाहिए जिससे कि ये टूटे नहीं, ब्रेक ना हो, वो भी ये सॉफ्टवेयर हमें बताएगा। थैंक यू।